मिस्टर रिफत को जस्टिफाई करने का ये एक लौता चांस है। अगर मुतलू पकड़ा जाए और वो सब कुछ कन्फेस कर ले तो हम तासन कोलोदा को अक्यूज कर सकते हैं, है ना? या फिर अगर वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाए तो? हाँ वो भी है। एक मिनट रुको। हाँ डैड, मुझे बताओ अगर वो मर गए हैं तो? सुबह से मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, सुबह से मैं पूछ रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बता रहा। मुझे बताओ तो सही, उनको हुआ क्या? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये सुबह से मिलने नहीं दे रहे, ना ही हमें कुछ बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि उम्मीद कम है, बोलो अगर वो मर गए तो बता ही दो। देखो जरा तमीज से बात करो, क्योंकि वो पिता है तुम्हारे। हम सबको भी उनकी फिक्र हो रही है, पर ये कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया कि उनका दूसरा ऑपरेशन होगा? मुझे डैड का ख्याल करने दो, वो तो बस ऐसे ही पड़े हैं और ये तो कुछ कर भी नहीं रहे। जरा मेरी बात सुनोगे? समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी डैड की हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तुम मुझे शांत होने के लिए मत बोलो, मेरे डैड तुम्हारी वजह से यहाँ पर है। ये क्या कर रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो, पहले शांत हो जाओ और शोर मत मचाओ, ये हॉस्पिटल है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर नहीं मचाना। यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं, सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं है वो। आंखें खोलो अपनी और शोर बिल्कुल मत मचाना, अगर तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे तुम पर। इसलिए यहाँ पर चुपचाप इंतजार करो उनका और डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। अपनी मॉम को देखो, इनके लिए बुरा नहीं लगता तुम्हें? वो पहले से दुखी हैं और तुम क्या कर रहे हो? चीजें ठीक हो रही है और तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो, सब खत्म करना चाहते हो? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को, शांत हो जाओ, मेरी बात मानो। ओके अच्छा ठीक है, बस करो, डॉक्टर आ रहे हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर येगिर सोजमन। पेशेंट की वाइफ कौन है? मैं हूं नेसरीन, और ये उनका बेटा जान। मिस्टर रिफत की कंडीशन क्रिटिकल है, हमें कुछ करना पड़ेगा, उनका दोबारा ऑपरेशन होगा। छोड़ो मुझे, मुझे पता था। जान, हम तुम्हारे डैड को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम अब भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जान, खुद को संभालो। होपफुली ऑपरेशन के बाद हम तुम्हें गुड न्यूज देंगे, उम्मीद तो यही है। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। डॉक्टर हमें आप शांत हो जाओ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। सुनो बेटा, सीजन, मेरी अभी अभी डैड से बात हुई और जो नया प्रोसिक्यूटर कोलोदा गया है उसने मिसिंग लेटर को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। ये सच है क्या? ये तो अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वो लोग इस बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर तासन कोलोदा को इसके बारे में पता होगा तो वो बहुत ही डरा हुआ होगा। तो फिर अगर ऐसा है तो मुझे जाकर प्रोसिक्यूटर से अभी जल्दी से मिल लेना चाहिए। ठीक है तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है मैं जाता हूँ, तुम मुझे बताती रहना। बी केयरफुल, मुझे फोन करना। ठीक है चल। ये क्या हो रहा है? देखता हूं। मिस्टर तासिन, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि आप आने ही वाले थे। इन्होंने कहा कि आपको अब्रॉड जाने की परमिशन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। किसने मना किया है आखिर? प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर है सर, इन्वेस्टिगेशन के बीच में आप और आपकी वाइफ कंट्री के बाहर नहीं जा सकते। देखिए ऑफिसर, आपको क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, हम इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे कहीं आने जाने पर ऐसे कैसे रोक लगा सकते हैं आप? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक यही ऑर्डर है सर। मेरी क्या गलती है, क्या चार्ज है मुझ पर? अभी तक तो कोई चार्ज नहीं है, बस प्रिकॉशन के लिए। अभी तक? देखिए ऑफिसर, अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं, जब वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा बता दीजिएगा, हम लोग वापस आ जाएंगे। ये रहा प्रोसिक्यूटर का ऑर्डर, देख लीजिए। वापस चलिए मिस्टर तासिन, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये नया प्रोसिक्यूटर अपना बिजनेस कार्ड ऐसे बांट रहा है? आइए सर हमारे साथ चलिए। अब वो सबसे कहता फिरेगा कि उसने तासिन कोलोदा को जाने से रोक दिया। तुम देखती रहना, उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। क्या हो गया मिस्टर तासीन? आप फिर से किसी की जान ले ली है क्या तुमने? क्या बकवास कर रहे हो इडियट? प्लीज आप उसके मुंह मत लगिए। और तुमने रिजा के साथ क्या किया? जब वो भाग रहा था तब तुमने भागने में उसकी मदद की थी, है ना? रिजा ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया, तुम उसे चुप नहीं करा सकते। दरअसल वो तुम्हारे दोस्त मुतलू का कई दिनों से पीछा कर रहा था,
मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मुतलू को उस आदमी के पीछे किसने लगाया और क्यों लगाया। चलिए मिस्टर तहसीन, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉयर के आने तक आप कुछ भी मत कहिएगा मिस्टर तहसीन। तुम तो जल्दी आ गए। हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया था। क्या मिस्टर रिफत अभी भी सर्जरी में है? दुआ करो कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाए। पापा, आप अब तक गए नहीं? मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा और प्रोसिक्यूटर की हेल्प करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना शांत नहीं होता। मिस्टर तहसीन, कोरलोदाग का वक्त बदल चुका है। जो लोग बिना किसी सवाल के तुम्हारी हर बात पर यकीन करते थे ना, उन सब को मैंने डिसमिस करवा दिया है। सीजर अलिमदार। हाँ सर, मैं हूँ, बोले। मुझे खुशी है कि आप बिन बुलाए आ गए, मगर जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टेंशन बढ़ाने से सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इट वॉन्ट हेल्प, बिलीव मी। इसीलिए मैं सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट करूंगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। मिस्टर तहसीन, प्लीज आइए। आ रहा हूं। मैम, आप यहीं बैठिए। थैंक यू वेरी मच। चलो कहीं और चलकर बैठते हैं, हम कैफेटेरिया में हैं। ठीक है, तुमने प्रोसिक्यूटर को सब कुछ बता दिया? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो हमें भी कंट्री से बाहर जाने नहीं देंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसे भी लाएंगे। होलिया, जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमें अपना गेम प्लान चेंज करना होगा। ये औरत सच में पागल है। कुरहान बेबी, मैंने सुना तुम मेरी आंखों का रंग भूल गए, तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए चली आई। और बुलेन डार्लिंग भी यहीं पर है, कितना अच्छा है ना, मैंने तुम दोनों को एक साथ वैलेंटाइंस डे पर डेट किया था। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मुझे यूल्ड्रम है, मुझे प्रोसिक्यूटर से मिलना है, मैं अपना स्टेटमेंट देने आई हूँ। सुहान, प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने तुम्हें लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। सुहान, मैं बस चाहता था कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब कुछ बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें दोबारा अपसेट नहीं करना चाहता था। क्या इसलिए तुम चाहते थे मैं हॉस्पिटल ना हूं? मैंने प्रोसिक्यूटर को बता दिया था कि तुम्हारे डैड ने कमिश्नर को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था। तभी वो मेरे पापा को यहां लाए हैं। जब आपने कहा तो मुझे कमिश्नर मुतलू याद आ गए। हाँ, ऐसा एक आदमी, वो सीजर का आदमी, क्या नाम था उसका, पहले वाले कमिश्नरी, क्या नाम था उनका? रिफा तेलबे। उन्होंने कोरलोदा के लिए काफी काम किया था। मुझे कैसे पता? वो कमिश्नर के भाई के फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने मेरा हाथ किस किया, फिर हमने थोड़ी बात की। हालांकि मुझे वो याद नहीं था, और पुलिस कमिश्नर महमत ने मुझे बताया था कि उसे फायर कर दिया गया था क्योंकि वो उस समय सीजर के उस आदमी के साथ काम कर रहा था। मैं जानना चाहती थी रजा के लेटर में क्या लिखा था और वो तुम्हें क्यों लेटर लिखना चाह रहा था। उस जेल में मुझे एक न्यूज़पेपर मिला जिसमें मिथा टोपाक्षी की मौत के बारे में लिखा हुआ था, और उस न्यूज़पेपर में मेरे डैड की भी फोटो छपी हुई थी, और ये भी लिखा था कि मैं कोरलोदाग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता हूँ। इसका मतलब
वो तुमसे हेल्प मांग रहा था? हाँ वो मैं भी यही सोच रहा था। और कोई रीजन समझ में ही नहीं आ रहा, बार बार मेरे डैड की बातें मुझे याद आती हैं। मुझे लेटर के बारे में कुछ नहीं पता, उसने मेरी बेटी से क्या झूठ बोला है, पर वो मुझे फंसा रहा है। पोस्टमैन से बात कीजिए, उससे पूछिए कि उसने मुझे लेटर दिया या नहीं दिया, पूछ लीजिए। और जो कॉप लेटर्स चेक करता है वो भी पोस्टमैन की तरह एक लंबी छुट्टी पर गया है, और अब ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगा। तहसीन कोलुदाग नाम है मेरा, कोलुदाग हूं मैं, जीत का दूसरा नाम। कोलुदाग एम्पायर इतने मुश्किल हालातों में खड़ा हुआ था कि हर चीज की अपनी एक अलग स्टोरी है, तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, वो अपनी पूरी जान लगा देगा इसके लिए। मैंने अदालत को उस विलन के हाथों से बचाया, ये एक सैड स्टोरी है। हाँ, इसे बताना आसान नहीं है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है, पर मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसकी मदद की। हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, बस एक दूसरे पर भरोसा है, और ऐसे ही जिंदगी में साथ साथ चल रहे हैं। दरअसल मैं बिल्कुल अकेला हूं मिस्टर सरहत, और जो मेरे आसपास है सब फालतू हैं, यहां तक कि मेरे बच्चे भी। सिर्फ अदालत, सिर्फ वो मेरी वजह से मेरे साथ है। मैं उसे यहां से बाहर ले जाना चाहता था, मैं उसे सेफ जगह ले जाना चाहता था, क्योंकि मुझे उस क्रिमिनल का प्लान नहीं पता है। अपनी वाइफ की सेफ्टी क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि सीजर अलमदार ने प्रिजनर को भागने में हेल्प की? बिल्कुल, उसने और उसके दोस्तों ने किया होगा। सीजर, तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मुतलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं, जब भी टाइम मिले तो कॉल करो, भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। well, वो उसका पीछा क्यों कर रहा था? वो रीजा के पीछे क्यों था? लगता है मुतलू का पीछा कर रहे थे? नहीं, मुझे लगता है कि वो साथ में थे, और वो पूछना चाह रहा है कि क्या ऑर्डर तुमने दिया। सुनिए, दोबारा सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। तुम कोई अच्छी औरत नहीं हो, घटिया औरत हो तुम। अपने शर्म में रहो बिल्कुल। कुरान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आई कैसे? कुरान, ये तुम्हें किसने बताया? बताया कि मैं तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ? मैं यहाँ खुद आई हूँ तुम्हारी कंप्लेंट करने, समझे? कुरान, रुको। इनफ, ये प्रोसिक्यूटर का ऑफिस है। क्या हो रहा है? पापा, ये औरत एक नंबर की झूठी है। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इसने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया। चुरा लिया है? किसने चुराया तुम्हारा पासपोर्ट? इसके हाथ में देखिए सर, इसने जबरदस्ती मेरे बैग से ले लिया है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इसने मेरे फोटोज लिए और मुझे ब्लैकमेल भी किया। देखिए सर, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि इसने मेरा पासपोर्ट चुराया और मुझे बदनाम कर रहा है। ये देखिए, देखिए सर, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। कमाल है, ये कंप्लेंट इसने यहाँ आने से पहले की है। कौन सिखाता तुम्हें ये सब? किसने बताया तुम्हें? बोलो कौन है तुम्हारे साथ? अरे चलो, ये लो अपना पासपोर्ट और जाओ यहाँ से, जाओ, गुड बाय, चलो। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास इस औरत के खिलाफ विटनेस हैं, उसने बुलंद के साथ भी ये किया, बुलंद तो चाहते विटनेस हैं। मत कसीटो। मैं इस इशू को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? चुप रहो तुम। कोई भी हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि तुम इस बाजारू औरत के साथ थे। तुम निकलो यहाँ से, चलो जाओ। क्या बोला आपने मुझे? सुनिए मिस्टर तासिन कोलुदाग, जो भी आपने कहा उसके लिए आप पछताएंगे। लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना नीचे फेंकवा दूंगा। Just shut up. एक सेकंड, तुम आयशे एल्ड्रिम हो? या होलिया, या शाइजमेंट, या ना जाने क्या नाम है इसका? बस भी करो कुरान। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं अपने किसी पर्सनल वजह से आयशे नाम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मेरा असली नाम होलिया ही है। तुम्हें अब्रॉड ट्रेवल करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि तुम नदीम के मर्डर केस में विटनेस हो, तो तुम अपना पासपोर्ट रख सकते हो। क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया। और वैसे भी तुम लोग तो मेरा साथ दे नहीं रहे हो, अब मैं खुद देख लूंगा। मैंने पहले भी कहा था, मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। कहाँ जा रहे हो? इस तमाशे से कहीं दूर। आप अपना एड्रेस यहाँ देकर जाइए, जरूरत पड़ने पर हम आपका स्टेटमेंट ले लेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहती तो आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे सकती हैं।
नहीं नहीं सर, फिक्र मत कीजिए, मैं पास के एक होटल में ही रहती हूँ। मैं पर्सनली आपको अपनी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे बारे में कोई भी झूठी कहानी सुनाए। ओके ओके, मैं समझ गया। ठीक है, सुनिए ऑफिसर, आप इनके साथ जाइए। अदालत कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता डैड, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पर अच्छा किया जो आज आप बीच में आ गए। अगर वो ऐसे ही हमारी बेइज्जती करती रहेगी तो उसका इलाज कर दूंगा। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? लेकिन अदालत कहाँ गई? पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। तुम बच्चों से अपने विक्टिम्स को मरवा रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझसे मत उलझना। तुम्हारा खेल खत्म, अब सब तुम्हारा असली चेहरा देखेंगे। मैं तुमसे नहीं डरती। मेरे पास आओ बेटा, उस आदमी से दूर हटो, दूर हटो। मैं नहीं डरती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अदालत, आप यहां क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये जगह हमारे कंट्रोल में है, बेहतर होगा कि आप यहां ना घूमें। यू आर राइट हुसैन, थैंक यू। बोलो, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे कुछ काम था, मैं बस आ ही रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चाय दे के साथ घर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके। घाव में इन्फेक्शन हो गया। मैंने लिख दिया है कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, क्या मिस्टर तासिन को पता है? मैंने उन्हें फोन पर नहीं बताया कि मतलू को मेडिकेशन चाहिए, पर वापस जाकर बता दूंगी। और तुम यहाँ ज्यादा मत आया करो, बहुत पुलिस वाले हैं यहाँ पर। ओके, सी यू, मैं पहुँच जाऊंगा। डैड, क्या आपको लगता है कि सीजर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है?
मतलब जब आप सुहान को ज्यादा अटेंशन देते हैं, सीजर उसकी और ज्यादा करीब आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रही हो तुम। मेरा मतलब है, सुहान उसकी तरफ है और अब वो ऊंची आवाज में बात करती है। मुझे बस डर है कि वो आपको और ज्यादा हर्ट ना करे डैड। एक कहावत है, सियारों के रोने से जंगल में शेर नहीं मरा करते। बोलने दो उन लोगों को ऊंची आवाज में, मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करता, जब चाहूं रास्ते से हटा दूंगा। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डैड।